Morning students, Razul here. Today we will start our new chapter, that is chapter number 3 of class 8, synthetic fiber and plastic. Firstly, इस chapter में हम लोग कुछ topics discuss करेंगे. उसमें से जो first topic है synthetic fibers, इसमें हम different types के fibers को discuss करेंगे. First one है rayon, second one is nylon, third one is polyester, fourth is acrylic and spandex. Next टॉपिक हम करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में सिंथेटिक फाइबर के. एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड कुछ और यूजेस भी होते हैं अदर यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. थर्ड टॉपिक इज प्लास्टिक. इसमें भी थ्री टाइप्स के प्लास्टिक के बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग्स एंड थर्ड वन इज मेलामाइन. नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे प्लास्टिक की, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, कुछ जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं प्लास्टिक के उनको. सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. यू हैव ऑलरेडी लर्न, देखो हैंडमेड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें ये पता होना चाहिए कि सिंथेटिक क्या होता है. सिंथेटिक मीन्स होता है मैन मेड, ठीक है. आपको पता है कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली होते हैं, नेचुरल फाइबर्स जैसे कि सिल्क, वूल, ठीक है, कॉटन, जूट एक्सेट्रा. और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनको हमने बनाया है, ठीक है. सो सिंथेटिक फाइबर्स, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नेचुरल फाइबर्स इन द अर्लियर क्लासेस. क्लास 6 और क्लास 7 में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में. नेचुरल फाइबर्स लाइक सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, वेयर एज कॉटन, जूट एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. द फाइबर्स ऑब्टेन आर स्पन इन टू यार्न एंड देन वोवन एंड नेटेड इन टू फैब्रिक विच इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स. हम सभी को पता है इसके बारे में. तो डू यू नो दैट देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ फाइबर्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स एंड दे डू नॉट कम फ्रॉम आइदर एनिमल्स और प्लांट्स. ना ही वो एनिमल्स से आते हैं और ना ही प्लांट्स से. वट इज़ द सोर्स ऑफ दिस फाइबर्स, तो एक आते कहाँ से हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड एंड और आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर. सो सिंथेटिक फाइबर्स, बिफोर वी डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म पॉलीमराइजेशन. अब देखो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये बनते कैसे हैं. ये देखो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ बीड्स इन अ स्ट्रिंग या फिर ब्रिक्स इन अ बोर्ड. इसमें क्या होता है कि जो एक स्ट्रिंग है, एक बीड है, ठीक है, एक बीड है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, एक को यूनिट. तो मतलब एक यूनिट बहुत सारी यूनिट्स में चेंज हो रही है, मतलब कि बहुत सारे बीड्स मिलके एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है. तो इस एक बीड को कहेंगे यूनिट, और ये जो यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं उसको कहेंगे, एक को कहेंगे हम, एक यूनिट को कहेंगे मोनोमर. मोनोमर मतलब जब बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर. मोनो का मीन्स होता है वन और पोली का मीन्स होता है बहुत सारे, ठीक है. ऐसे ही इसी टाइप से ब्रिक्स, वॉल है कोई, ठीक है, किससे मिलके बनी है, वो ब्रिक से. एक ब्रिक को क्या कहेंगे, मोनो. और जब बहुत सारी इकट्ठी होके वो वॉल बना देंगी तो वो क्या होगा, पॉलीमर, पोली. नाउ लेट्स स्टडी. बिफोर वी डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म पॉलीमराइजेशन. इन अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, जैसे कि अभी दिखाया है, देयर आर मैनी बीड्स विच आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. इन अ ब्रिक वॉल ऑल्सो देयर आर मैनी ब्रिक्स जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड सैंड. इफ वी कंसीडर द बीड ऑफ अ स्ट्रिंग और द वॉल, ब्रिक ऑफ अ वॉल एज द स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट, मतलब उसकी जो स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट क्या है, दोनों की, या तो बीड है या फिर एक ब्रिक है, ठीक है. द स्ट्रिंग एंड द वॉल विल रिप्रेजेंट द सिंथेटिक फाइबर, मतलब ये जो पूरी की पूरी बनी है ना, या तो स्ट्रिंग जिसको हम स्ट्रिंग कह रहे हैं, ठीक है, या फिर पूरी की पूरी वॉल जो कि ब्रिक से बनी है, वो क्या है, वो एक पॉलीमर की तरह है, मतलब उसको हम एज अ एग्जाम्पल लेंगे सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है. जैसे कि पूरी एक स्ट्रिंग बनती है बीड से मिलके, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर किससे मिलके बनता है, पॉलीमर से.
where many monomers unit combine to form a large single unit called the polymer. The process of अब देखो polymerization क्या होता है, the process of combining these monomer unit, ठीक है, monomer unit को आपस में combine करना एक large polymer बनाने के लिए, ठीक है, the process of combining these monomer units into a large polymer is called polymerization. A polymer is made of many repeating units. एक polymer बहुत सारी repeating एक unit से बना होता है, ठीक है. Monomers are either linked in a linear fashion और इन अ क्रॉस लिंक्ड फैशन इन द पॉलीमर स्ट्रक्चर, मतलब या तो वो सीधी लाइन में होंगे या फिर वो क्रॉस लिंक्ड होंगे, आपस में लिंक होंगे, ठीक है. पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर ऑल्सो, नेचर में भी होता है. हेमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लड, इज़ अ प्रोटीन फॉर्म बाई ज्वाइनिंग मैनी अमीनो एसिड्स. सिमिलरली सेल्यूलोस द सोल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन फाइबर is made of a large number of glucose molecules. We will now discuss some commonly used synthetic fibers. जिसके अंदर number first है rayon. Rayon को हम artificial silk भी कहते हैं. ये मतलब name तो इसका artificial silk है, पर ये silk नहीं होता, एक तरह का artificial silk होता है. Was obtained by chemical treatment of wood pulp. Wood pulp से बनता है ये. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, it is a man-made fiber. मतलब ये wood pulp से बनता है, फिर भी ये man-made fiber है. It is cheaper than silk, और ये silk से सस्ता होता है, and can be woven like silk fibers, और उसी तरह से बनता है जैसे कि silk fiber से silk की fiber बनती है. It can be dyed in a wide variety of colors. It can be mixed with cotton to make bed linen. मतलब इसको कॉटन के साथ भी मिक्स किया जा सकता है. वेयर एज व्हेन मिक्स्ड विद वूल, और अगर ये इसको वूल के साथ मिक्स किया जाए, इट इज़ यूज टू मेक कारपेट्स. इट इज़ आल्सो यूज टू मेक फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स, टाइज एक्सेट्रा. रेयन फाइबर्स आर वाइडली यूज्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स डेराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोस एंड आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट वेराइटीज. कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं? विस्कोस, क्यूप्रो एंड एसीटेट रेयन. Rayon is shiny and lustrous, shiny होता है, and it can absorb moisture too. Moisture को absorb कर लेता है. Because of the property of absorbing moisture, क्योंकि इसकी ये खासियत होती है कि ये moisture को absorb कर लेता है, clothes made of rayon can absorb sweat and are therefore preferred over clothes made of other synthetic fabrics. मतलब इसको absorb कर लेता है ये sweat को. Next one is nylon. नाइलॉन वॉज फर्स्ट मेड इन 1931. मतलब नाइलॉन किससे बना होता है? देखो, नाइलॉन बनता है कॉल, वाटर एंड एयर से. इट वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टोटली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर विदाउट यूजिंग एनी प्लांट और एनिमल सोर्स. अब देखो, जो नाइलॉन है वो पहला ऐसा फाइबर था जिसमें ना तो कोई प्लांट सोर्स यूज़ हुआ, ना ही कोई एनिमल सोर्स यूज़ हुआ. मतलब टोटली ये मैन मेड फाइबर है, ठीक है. Nylon is one of the most elastic synthetic fabric which does not lose strength even after repeated use. जो कि अपनी strength नहीं होता बार बार use करने के बावजूद भी. The chemical reactions required to create nylon are carried out in a specially designed machine at very high temperature. The molten semi-liquid nylon is then forced into a spinner which separates nylon into very thin strands or fibers. जहाँ पे change किया जाता है उसको nylon को thin strands में या fibers में. The fibers are then spun through a spinning wheel. Spinning wheel से फिर उसको spun किया जाता है into yarn which is turn is woven into fabrics. उससे फिर fabric बनाया जाता है. Tighter the weave, जितना tight होगा weave करने में yarn will टाइटन द वीव, जितना ज़्यादा टाइट होगा द मोर स्ट्रेंथ द नाइलॉन फैब्रिक विल हैव. उतनी ही ज़्यादा नाइलॉन फैब्रिक की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होएगा कपड़ा फाइबर. दिस प्रोसीजर इज एक्चुअली परफॉर्म टू मेक ऑल वराइटीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंस नाइलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट, लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये सभी देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. It is extensively used to make clothes, socks, robes, tents, parachutes and a wide variety of articles. When nylon
स्टॉकिंग वर इंट्रोड्यूस्ड दे वर इन ग्रेट डिमांड, मतलब जब ये बना तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. बट मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोडक्शन वॉज डाइवर्टेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पैराशूट्स एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. After the war, production of stockings was resumed, but the demand was so huge that often there were nylon rayons. Next है हमारा polyester. Polyester is another synthetic fiber which is wrinkle resist. अब देखो जो polyester होता है वो wrinkle resist होता है. Wrinkle resist मतलब उसके अंदर wrinkles नहीं पड़ती हैं. अब देखो जैसे आपकी uniforms वगैरह हो या cotton की clothes हो, उनको press करने की ज़रूरत होती है, iron करने की ज़रूरत होती है. पर polyester एक ऐसा fiber है, synthetic fiber है, जिसके ऊपर wrinkles नहीं पड़ते हैं. It is strong, lightweight and elastic. Clothes made from polyester fibers fabrics have excellent wash and wear characteristics and therefore require minimum care. कम से कम केयर करने की ज़रूरत होती है. अच्छा होता है ये. टेरिलिन एंड डैक्रन आर द कॉमन वेराइटीज़ ऑफ दिस क्लास ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. विच आर मिक्सड विद नेचुरल फाइबर्स टू एनहांस देयर प्रॉपर्टीज़. और इनको जो ये टेरिलिन है मतलब पोलिएस्टर है, इनको कुछ नेचुरल चीज़ों में भी इसके साथ उनके साथ मिक्स कर दिया जाता है जिनसे कि और फाइबर बनाए जा सकते हैं. जैसे कि टेरी कोट है, टेरी और कोट से ही पता चल रहा है कि ये दोनों को मिक्स करने से बने. किन किन को? टेरिलिन और कॉटन को. अ ब्लेंड ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल, शर्ट, स्कर्ट्स एक्सेट्रा. ऐसे ही टेरी वूल मीन्स टेरिलिन एंड वूल. अ ब्लेंड ऑफ टेरिलिन एंड वूल विच हैव अमेजिंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू मेक सूट लेंथ्स. टेरी सिल्क, टेरिलिन एंड सिल्क. A blend of terilin and silk is a cheaper version of silk and is used to make sarees, dress materials, etc. Polyester, as the name indicates, is made of many ester units. Polyester ke name se hi pata chal raha hai. Poly matlab many, ester matlab esters. Matlab bahut sare ester ke units se milke jo banta hai wo polyester hota hai. Which may be synthesized from petroleum products. You must have heard about PET bottles or PET jars. आपने कभी नोट किया होगा कि कई बार बॉटल्स के नीचे यहाँ पे PET लिखा होता है, नीचे उसके बॉटम पे, ठीक है. तो वो PET jars या PET bottles होती हैं, used by your mother in the kitchen for the storage of water or other things. Polyethylene terephthalate. It is actually a polyester used for making utensils, wires, film rolls and many other useful products. Next one is acrylic. Acrylic fibers, a substitute for natural wool, is dissolved in suitable solvents and the solution is forced through spinners to form fine filaments which are spun into yarns. मतलब जो acrylic है वो एक तरह का wool ही है जिसको use किया जाता है wool की सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए, fibers बनाने के लिए. The wool obtained from natural source is quite expensive. जो wool के actual में जो wool के बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा expensive होते हैं, पर ये cheaper होते हैं उनसे. While acrylic offers a relatively cheap option which is available in a variety of colors and is more durable. It is also not affected by moisture, bacteria or chemicals easily. Acrylic fibers are warm, soft, light, flexible and are also known as Orlon or Acrylon. They are easily knitted to make sweaters, shawls, socks, etc. Next and last is spandex. Spandex, also known as Lycra, is a long chain synthetic polymeric fiber. It is soft and rubber like, ठीक है, बहुत soft होता है और rubber की तरह होता है. And also allows the fiber to stretch a load and then recover its original shape. मतलब ये stretchable बहुत ज़्यादा होता है, stretch हो जाता है और अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो अपनी original shape में भी आ जाता है. The high elasticity of the fabric made from these fibers is suitable for making clothes which require a body hugging fit like swimming costumes, undergarments, shirts, etc. अब ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट थिंग्स हुई हैं दैट आर मेड ऑफ द सेम मटीरियल. जैसे रेयन है, करेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी, रिसेंबल सिल्क, सिल्क की तरह ही होता है, ठीक है, देखने में. एंड टेक्स्चर
रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस एंड टेक्सचर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके यूजेस क्या हैं, शर्ट्स, ड्रेस मटेरियल, बेड लाइनन, कारपेट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नाइलॉन। नाइलॉन की करेक्टरिस्टिक क्या है, इलास्टिक, लाइट वेट, लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्लोथ्स, रॉप, सॉक्स एंड पैराशूट्स। नेक्स्ट इज पोलिएस्टर, रिंकल रजिस्ट, लाइट वेट एंड इलास्टिक एंड यूजेस मिक्सड विद नेचुरल फाइबर्स लाइक वूल, सिल्क एंड कॉटन टू मेक फैब्रिक्स। एक्राइलिक, रिसेंबल्स वूल, वूल की तरह दिखाई देता है एंड नॉट अफेक्टेड बाई मॉइस्चर, केमिकल्स और बैक्टीरिया। यूजेस क्या हैं, सॉक्स, शॉल्स एंड स्वेटर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज स्पेंडेक्स, इसको लिक्रा भी बोलते हैं, लिक्रा भी बोलते हैं, सॉफ्ट, रबरी एंड हाईली इलास्टिक होता है। और इसके यूजेस हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए एक्सेट्रा। सो दिस इज़ अवर पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।